सो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पार्किंग वगैरह का कुछ इशू तो होगा ही होगा, नौटंकी चलेगा ही चलेगा, यहाँ पे पता नहीं कितना पैसा लगेगा। सो गाइज यहाँ पे 20 रुपया लग गया हम लोग को, मतलब बस यहाँ अंदर घुसाने का, पार्किंग का पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे व्यूज़ देख सकते हैं काफ़ी मस्त है, और ये जो व्यू पॉइंट है यहाँ पे मतलब सबसे अच्छा यहाँ पे व्यू मिलेगा आपको, चारों तरफ का देख सकते हैं, अगर जहाँ का भी देखना चाहें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर इधर साइड में देखें तो इधर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, और व्यू पॉइंट बहुत सारे यहाँ पे बनाया हुआ, तो आप कहीं भी रुक करके ना अच्छे से देख सकते हैं, तो लुक्स जो है भाई एकदम कतई जहर, बहुत ही मस्त लग रहा है, और नहाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, बाकी फ़ोटोशूट वगैरह है चलता ही रहता है, मूवी शूट होता है, बस हमारे पास एक यार कमी है ड्रोन का, पता नहीं अब ड्रोन का कमी कब पूरा होगा, उसके बाद आपको हम बहुत ही मस्त यहाँ पे दिखाएंगे, कोई भी जो व्यू होगा बहुत ही मस्त। चलिए चलते हैं नीचे, और फिर हम लोग ऊपर साइड भी जाएंगे, और देखते हैं अगर कुछ नहाने वाने का जुगाड़ हो जाए तो नहा लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं नहाने के लिए, भी आ जाते हैं क्योंकि है वैसे, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो नहाने धोने के चक्कर में भाई अपना जान जोखिम में नहीं डालना है, ठीक है, तो उस बात का ध्यान ज़रूर रखना है, और बाकी आप यहाँ पे आकर के इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जो व्यू काई मस्त लग रहा है भाई साहब, बहुत ही मस्त, और उधर भी है पानी का छींटा हल्का हल्का उड़ उड़ का आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है उसका क्या ही बोले, बाकी इधर बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ही मस्ती, यही लोग का तो भाई मज़ा है यार, हम लोगों का क्या है, बस नॉर्मल ही है हम लोग। अब चलिए कुछ थंबनेल के लिए फ़ोटो वगैरह लिया जाए। तो गाइज हम लोग हल्का ऊपर जा रहे हैं, और देखते हैं ऊपर जा पाते या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैर जो है संभल संभल के रखना पड़ेगा। देखो भाई लोग पूरा मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ से आपको हम व्यूज दिखाते हैं, ये देखिए क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे, जरा देखिए बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे आकर के एक बार ट्राई किया जा सकता है, वैसे आप लोग आ ही चुके होंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे बैरियर दिया हुआ है तो इससे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है, पानी देख सकते हैं, ये पानी उड़ रहा है इतना दूर जो आपको दिख रहा है, बादल टाइप का हल्का धुआं टाइप का, वो इसका पानी ही है, पानी का क्या कह सकते हैं उसको, वाष्प तो नहीं बोलेंगे, बस उड़ रहा है तो समझ लीजिए। और अभी मतलब ऐसा डे नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इतना लोग विजिट करने के लिए मतलब यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। हम लोग नीचे जा रहे हैं, ऊपर का शूटिंग यहाँ पे हो चुका है, अब आपको और ऊपर से दिखाते हैं व्यू। ओम नमः शिवाय, बचाओ, चलो चलो चढ़ते चढ़ते यहाँ पे वाट लग गया है, पसीना पसीना हो गया यार, इधर से तो आराम लग रहा है, बहुत ही मेहनत वाला काम है, अगर यहाँ ऊपर नीचे अगर हुआ जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे वेट लूज कर लेंगे। वाह सही है, बहुत सही चीज़ है, मस्त मस्त। कितने दिन में ये बना लेते हैं? बहुत टाइम लगता है, एक डेढ़ घंटा में ये कंप्लीट कर देते हैं, पहले से हुआ रहता है हल्का सा, डिटेलिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चल टाइम तो लगता है रे बाबा, भैया बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं बोले तो। सो गाइस ये देखिए टोपी ट्राई कर रहा है, 100 रुपये का टोपी है वो, 100 रुपया का, काफ़ी मेहनत भी लगा इसे बनाने में। हाँ लेकिन सही चीज़ है। हाँ पर एक दिन का मजा, या एक से दो दिन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पत्ता हाँ सूख जाएगा, उसके बाद आप क्या मजा लेंगे उसके। नहीं नहीं सूख जाएगा तो पर भी हो जाएगा, लेकिन तब पर भी वो भाई दोबारा यूज कौन करेगा, एक ही बार अभी बस यूज करोगे खराब हो जाएगा और ख़त्म।
अब फिलहाल हम लोग किसी तरह भाई मेहनत करते करते ऊपर तो पहुंच गए। कुछ खा पी लिया जाएगा। उधर लेफ्ट साइड से चलते हैं। बनाइए 10 का चना बनाइए तो एकदम। तो चना हम लोग को मिल गया, अब खाते हैं इसको भाई साहब। भाई साहब मेहनत का फल। अच्छा टेस्टी है। तो गाइस हम लोग पीछे से आ चुके हैं। हाँ और ये देखिए यहाँ से किस टाइप का दिखता है। और अभी हम लोग लेफ्ट साइड यहाँ पे नीचे में थे तो वहाँ से भी व्यूज तो काफ़ी अच्छा आया था। और अब हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। ऊपर उसके बाद फिर उधर भी रास्ता है, आपको जो सूरज दिख रहा है उधर भी रास्ता था, ठीक है। तो उधर से भी हम लोग जा सकते थे लेकिन अभी हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे और यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से व्यू देखिए, ये देख सकते हैं, आपको मैं वाइड एंगल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए किस टाइप से ये दिख रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में काफ़ी। और यहाँ पे कपल भी आते रहते हैं तो आप भी आकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन भाई सावधानी से क्योंकि बहुत ही परेशानी हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए हल्का सा हम लोग आगे चलते हैं ताकि आपको व्यू हम अच्छा दिखा पाएँ। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ से किस टाइप का व्यू दिख रहा है। हल्का सा हम लोग आगे जाते हैं उसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। तो सावधानी को ध्यान में रखते हुए हम हल्का आगे जा रहे हैं। कोई सीटी मार रहा है गाइस, तो कहाँ से कोई सीटी मार रहा है पता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद सेफ्टी वाले, ये देखिए। और यहाँ से आपको हम पूरा व्यू दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, चारों तरफ से नज़ारा देखिए। आपको नीचे का दिखाते हैं। तो ये रह गया नीचे का और इस टाइप से यहाँ पे दिखता है। लुक तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आकर एक बार आप इंजॉय तो कर ही सकते हैं। बहुत ही मस्त लग रहा है और अच्छा खासा सीन है भाई साहब। तो हल्का सा हम लोग आगे चलते हैं उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से, हाँ सीटी मार रहा है। कहाँ से सीटी कौन मार रहा है? अच्छा वो लोग है, ओके। हम भी बोल रहे हैं, यहाँ आना है। तो गाइज यहाँ पे जो है अच्छा है कि कम से कम मिलता है आप लोगों को कि भाई सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं, बस आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए आए, बाकी आप लोगों को यहाँ पे रिस्क लेना नहीं है। तो गाइज हल्का सा फेस धो लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है। ओ गर्मी बहुत लग रहा है भाई साहब, बहुत गर्मी। हाँ अब हल्का सा ठीक लग रहा है बिट्टू, तुम भी करना कर लो। वैसे मन तो नहाने का है लेकिन अभी नहा नहीं सकते। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ पे पहले भी विजिट कर चुके हैं तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं। वैसे मैं 6 साल पहले यहाँ पर आया था और पिकनिक हम लोग सब ने मनाया था, बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नहीं था उस समय, जिसकी वजह से हम लोग उधर भी चले गए थे। तो बस ख़त्म करते हैं, बाय बाय। मेहनत का फल और ऐसा पिकनिक काफ़ी मज़ेदार। तो चेयर। मज़ा आता।